करा देते हैं, ये है आपका पोस्ट कार्बन फिल्टर, ठीक है। हेलो गाइस, क्या आप लोगों ने वाटर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं या फिर वाटर फिल्टर लेने का सोच रहे हैं, या फिर वाटर फिल्टर ले लिए हैं लेकिन उसका कुछ पार्ट्स ख़राब हो गया जिसके वजह से आप उसको मतलब ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसका कितना प्राइसिंग वगैरह लगेगा आपका अंदाज़ा नहीं है, तो आप ये वाला वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है वाटर फिल्टर रिलेटेड, उसको उसका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ, वाटर फिल्टर का आज का जो वीडियो है ये वाटर फिल्टर रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड वीडियो है, मतलब एक एक आज जो वीडियो बना रहा हूँ कुचिना का जो वाटर फिल्टर है, कुचिना का मतलब स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, कोई भी वाटर फिल्टर हो सकता है लेकिन कुचिना का जो स्पेयर पार्ट्स है, मतलब कुचिना का जो वाटर फिल्टर का स्पेयर पार्ट्स है, यूवी हो चाहे कार्टिज हो चाहे कैंडल हो चाहे प्री कार्बन फिल्टर हो पोस्ट कार्बन फिल्टर हो मेम्ब्रेन हो कार्बन फिल्टर हो, मतलब कुचिना का वाटर फिल्टर का कोई भी पार्ट्स हो उसका वीडियो आज लाइव आपको करके दिखाएंगे, मतलब लाइव आपको एक एक पार्ट्स का लाइव वीडियो दिखाएंगे और एक एक पार्ट्स का प्राइस कितना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जब आप वाटर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप लोगों को दिमाग में एक चीज़ रहता है कि इसका मेंटेनेंस, आप वाटर फिल्टर तो ले लिए हैं अब इसका मेंटेनेंस खर्चा कितना आएगा, ये आप लोगों का माथा में एक रहता है, मतलब दिमाग में रहता है, ठीक है। तो आप लोगों के हेल्प के लिए मैं ये वाला वीडियो लाया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले फेवर का स्पेयर पार्ट्स, जो वाटर फिल्टर का जो स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, उसका वीडियो ऑलरेडी दे दिया था। आज जो है कुचिना का जो स्पेयर पार्ट्स है वाटर फिल्टर का, उसका वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं लगा तो नहीं कमेंट कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा लेकिन एक तो कमेंट जरूर कीजिएगा और एक तो लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो अगर इन फ्यूचर में आप लोगों को चाहिए होगा तो सब्सक्राइब बटन जो है लाल का बटन उसको दबा दीजिएगा और पास में जो नोटिफिकेशन घंटा वाला जो ऑप्शन है उसको ऑल जो ऑप्शन है उसको करके रखिएगा, फिर जब भी कुछ प्रोडक्ट का वीडियो हम इसी चैनल में अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसी दिन उसी टाइम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा वीडियो का, हम क्या क्या वीडियो में बताएंगे मतलब करेंगे उसका डिटेल्स पूरा बता दिया। तो इस हिसाब से आपको अगर वीडियो पूरा देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, अगर जिसको पसंद उसको देख मतलब ये वाला वीडियो देख सकते हैं, अगर लगता है ये आपका काम का चीज़ नहीं है तो आप इसी वक्त ये वाला वीडियो को स्किप करके आदर्श जो किचन रिलेटेड या फिर किचन चिमनी या फिर जो भी चीज़ें हैं करीबन 70-80 तो इसी चैनल में ऑलरेडी वीडियो दिया गया है किचन रिलेटेड, चिमनी हो कुचिना हो चाहे फेवर हो चाहे इलिका हो, ठीक है, कंपनी डिटेल सब कुछ पूरा वीडियो इसी चैनल में दिया गया है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो गया आपका कुचिना का स्पेयर पार्ट्स, पहले तो आपको परिचय करा देते हैं, ये है आपका पोस्ट कार्बन फिल्टर, ठीक है। देखिए कोकोनट सील एक्टिवेटेड कार्बन, प्रोडक्ट कैसे दिखता है, पोस्ट कार्बन फिल्टर कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या लिखा है आपको पास अगर आएगा, मतलब आप जब खरीदेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें रहना ज़रूरी है आप पूरा देख लीजिए प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स। देखिए ये है कुचिना का, ठीक है, ये है पोस्ट कार्बन फिल्टर, इसका प्राइसिंग आपका पड़ जाएगा करीबन 229, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपका प्राइसिंग लिखा हुआ नहीं है, ये आप लोग जब मतलब ख़रीदेंगे कहीं से टेक्नीशियन द्वारा या फिर कहीं से भी खरीदेंगे परचेज करेंगे दुकान से फिर, ठीक है, या फिर सर्विस सेंटर से, तो वहाँ का परचेज मतलब वहाँ का जो रेट है ज़्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसिंग ये दिया हुआ नहीं है। हम लोग के यहाँ पर जो सर्विस सेंटर है उस हिसाब से हमने यहाँ का जो प्राइस है हमने ये बता दिया। तो एक तो इसका जो है ये इसका MRP है, ठीक है, MRP कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी का MRP है, तो आप लोग इसे अगर ख़रीदना चाहते हैं तो कहीं पर तो लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि
कोई तो 600 भी ले सकता है, 700 भी ले सकता है। तो एक तो अंदाज़ा, एक तो रेट 229 है, तो उससे ज़्यादा आपके आपके पास से करीबन कितना ही लेगा, 300, 350, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो एक अंदाजान आप लोगों को रेट एक तो इसका देखिए पता चल गया। वैसे ही आपका ये देखिए, ये हो गया आपका कुचिना का क्या चीज़, सेडिमेंट फिल्टर। ये हो गया सेडिमेंट फिल्टर, देखिए देखिए मैक्सिमम फ्लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 GPM, मैक्सिमम प्रेशर 125 PSI, मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें ले 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सर्विस लाइफ कितना है 2200 गिलन, ठीक है। इसमें इसका जो सर्विस लाइफ है, एक सेडिमेंट फिल्टर का कितना है, कितना लीटर ही कर सकता है, 222 GL तक, ठीक है। तो इसका प्राइस कितना पड़ जाएगा आपका सेडिमेंट फिल्टर का, आपका प्राइस पड़ जाएगा करीबन 296, ये इसका MRP है। तो MRP आपको कहीं पर दिखेगा नहीं, मतलब आप ऑनलाइन में भी सर्च करेंगे, कुछ ना साइड में भी सर्च करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका MRP है। तो आप लोग अंदाजन उस हिसाब से आपका जो प्राइसिंग वगैरह है, इससे थोड़ा ज़्यादा कम बेसी हो सकता है जहाँ से आप ले रहे हैं उससे, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है इसी वजह से। ये इसका हो गया आपका कुचिना का RO मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए इसमें आपका मैक्सिमम क्या दिया हुआ, SDI 5, इसका जो वर्किंग टेम्परेचर कितना है 4 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम प्रेशर 872 KPa, pH रेंज कितना है 4-11, मैक्सिमम टर्बिडिटी 1 NTU, और प्रोडक्ट ऑन कैपेसिटी कितना है 0.196 L। देखिए इसका जो प्राइस है, ठीक है, इसका प्राइसिंग सबसे ज़्यादा वाटर फिल्टर में सबसे ज़्यादा प्राइस लगता है मेम्ब्रेन का, ठीक है। आपका वाटर फिल्टर में अगर RO मतलब मेम्ब्रेन अगर ख़राब हो जाए तो उसमें आपको जो खर्चा आएगा, देखिए इसमें आपका खर्चा आएगा करीबन मेम्ब्रेन का करीबन 2100, इसमें जो इसका जो MRP है 2103 रुपये इसका MRP, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा आपके आपको कितना खर्चा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ है आपका प्री कार्बन फिल्टर, देखिए प्री कार्बन कुचिना का प्री फिल्टर कैसे दिखता है देख लीजिए, देखिए ST का चीटा हुआ यहाँ पर। मैक्सिमम फ्लो कितना है 1 GPM, मैक्सिमम प्रेशर 125 PSI, मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सर्विस लाइफ इसका भी 2200 गिलन है, ठीक है। देखिए इसका आपका प्री कार्बन फिल्टर में आपका प्राइसिंग आएगा इसका 296, इसका भी MRP है, ठीक है। और बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स है उसका हम बता देते हैं आप लोगों को, जैसे कि आपको आप अगर कैंडल यूज़ करेंगे, मतलब कैंडल का MRP आ जाता है करीबन 300 में, 5 माइक्रोन कैंडल में, 5 माइक्रोन कैंडल जो आता है वो आ जाता है करीबन आपका 138 में, और 5 माइक्रोन EF जो मेम्ब्रेन है वो आ जाता है करीबन 336 रुपये में, और UV लैंप अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब UV लैंप अगर आप लोग चेंज करेंगे तो फिर वहाँ पर आपका आएगा 892, मतलब 892 रुपया MRP। और TDS मीटर अगर आप लोग लेंगे कुचिना का ही तो 1680 रुपया, और वाटर टैप अगर लेंगे मतलब नल जो ख़राब हो जाता है वो वाला अगर चेंज करेंगे तो उसमें 150 रुपया लगता है, ठीक है। तो ये हो ये जितना सारा हम बोले हैं ये सब कुछ कुचिना का MRP है, ठीक है। और हम जहाँ से जहाँ पर है यहाँ का सर्विस सेंटर में, ठीक है, इस हिसाब से रेट दिया जाता है, ठीक है। बाकी आगे का ये जो जितना हम रेट बोले हैं, आप जहाँ पर है जिस इस एरिया में है वहाँ का रेट, मतलब MRP तो हर जगह में एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर MRP किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी स्पेयर पार्ट्स में लिखा हुआ नहीं है, तो एक एक जगह में एक एक प्राइस आपका ले सकता है, लेकिन जो जिस MRP है उससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेगा, कितना ही लेगा 100-150, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है।
बाकी अगर ज़्यादा लेता है तो उस हिसाब से आप लोग डील कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड जो है फेवर का जो स्पेयर पार्ट सामने दिया था वाटर फिल्टर का, उसमें लेकिन MRP बकायदा उसमें चिपका हुआ था, ठीक है। तो फेवर का एक तो सुविधा है क्योंकि MRP से ज़्यादा बिक नहीं, मतलब आपको सेल नहीं कर सकता वो वाला पार्ट, क्योंकि उसका ऊपर ही MRP चिपका हुआ रहता है पैकेट के ऊपर ही। वो भी वीडियो अगर देखना है तो आप लोग जाके इस प्लेलिस्ट दिया हुआ है, स्पेयर पार्ट्स में जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो प्रोडक्ट है वो सब आपको नहीं दिखाया, ठीक है, वो थोड़ा सा गंदा हो गया है बिकने के वजह से, जिसके वजह से हमने वो सब प्रोडक्ट नहीं दिखाया। बाकी उसका प्राइसिंग जो है, जो मैंने बोले हैं वही उसका प्राइसिंग है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।